सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव गोयल द अकूस्टिक बनिया एंड आई एम बैक विद अनदर गिटार लेसन। तो आज कल हाल फिलहाल में आया हुआ अनुव जैन का ये नया गाना विच इज़ अंतरिक्ष, तो काफ़ी इंटेंस, काफ़ी डार्क, और अपने जो नॉर्मल जो उनके टोन होते हैं, जो उनकी अपनी साउंडिंग होती है एक नॉर्मल स्वीट सॉन्ग्स की, उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये उन्होंने एक गाना रिलीज़ करा है कल परसों में। तो यार, इसका एक जो है गिटार लेसन लेकर आया हूँ मैं आज, और बहुत ही सिंपल सा है। मतलब सिंपल भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दोनों लग सकता है। अगर आप प्लकिंग के साथ स्ट्रिंग्स की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो तो थोड़ा सा शायद सकता है आपको वर्क करना पड़े, बट एक बार उसकी हुक मिल जाएगी तो आप बहुत आराम से पकड़ पाओगे। और इसीलिए मैंने गिटार लेसन बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने जो वीडियो डाली अपने सोशल मीडिया पे, उसमें क्लियरली उनकी प्लकिंग एंड कॉर्ड्स विजिबल है और वो पूरे गाने में चल रही है। सो मैं गाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, एक बार प्लकिंग को पकड़ लेना है और एक बार वो पैटर्न तुम्हारे हाथ लग गया, उसके बाद पूरा का पूरा गिटार लेसन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सॉर्टेड सा है, ठीक है। तो यार देखो, क्योंकि एकदम हाल फिलहाल नया गाना है तो पूरा गाना मेरे को याद भी नहीं हुआ है, तो साथ साथ लिरिक्स में इसकी देखूँगा, और लिरिक्स थोड़ी बहुत, जैसे बहुत फास्ट लिरिक्स है अगर आपने सुना हो तो थोड़ा बहुत फंबल कर सकता हूँ, बिकॉज वो भी चल रहा था मेरे साथ ये फेज़। तो गिटार पे सीखेंगे और कॉर्ड्स इसमें कोई नहीं है, क्योंकि प्लकिंग पर है गाना। क्यों नहीं है वो मैं दिखा देता हूँ, सिर्फ प्लकिंग का खेल है इस गाने के अंदर और कुछ नहीं है। तो कोई स्पेसिफिक कॉर्ड को, हम किसी ओपन कॉर्ड को, किसी मेजर माइनर कॉर्ड को हम ऐसे स्पेसिफिकली यूज़ नहीं कर रहे, हम बहुत टोन्स पर इस गाने के अंदर खेल रहे हैं। एंड गाना बेशक बहुत इंटेंस और बहुत फास्ट हो, बट इसके गिटार पे जो प्लकिंग है, जो स्ट्रमिंग है इसकी, वो बहुत स्लो है। सो यार देख लेते हैं उसको कि हमें कैसे पूरे गाने को करना है, और एक बार उस पैटर्न को पढ़ के पूरा गाना हमें एक साथ चलाना है। तो लिरिक्स के साथ 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 थोड़ा बहुत सिखाऊंगा तुम्हें और पूरा करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो। और यार, हमारे लेसन शुरू होने से पहले एक छोटी सी चीज़ की काफ़ी, और मेरे को जो क्वेश्चन आते हैं और मैसेजेस आते हैं कि आखिर क्या क्या इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ और कौन से गिटार उनको किस बजट में चाहिए, तो उसके लिए एक स्पेशली छोटा सा एक मैंने काम किया हुआ है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे अमेजोन स्टोर का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, उसको जाके टैप करोगे तो पूरा एज इट इज़ जैसे अभी तुम्हें साइड में दिख रहा है, ऐसे पूरा अमेजोन स्टोर की वो विंडो खुल जाएगी, वहाँ से तुम जाके इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो और अपने लिए पसंद कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरे कुछ वहाँ पे अपने पर्सनलाइज्ड नहीं, मतलब मेरे खुद सेल्फ डिज़ाइन डायरीज हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है वो। सो प्लीज़ डू ट्राई इट। तो अब आ जाते हैं यार, एडवर्टाइजमेंट होगी, अब आ जाते हैं अपने वापस गिटार लेसन पे। सो यार, गिटार में देखो, हमारी सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें केपो को लगाना है सेकंड फ्रेट पे, और केपो सेकंड फ्रेट पे लगने के बाद अब हमें छोटी सी चीज़ क्या करनी है, जी कॉर्ड जैसे होती है इस पोजीशन को याद रखो, तो जी कॉर्ड की ये पोजीशन होती है, अब सेकंड फ्रेट से थर्ड फ्रेट पे शिफ्ट हो जाओ, ये हमारी गाने की पोजीशन है, स्ट्रमिंग का खेल है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, मेन यूज़ हमारे इस पिंकी फिंगर का तो नहीं है, हमारा मेन बस इस पोजीशन को रखने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जी कॉर्ड जो अगर तुम्हें पकड़ने की आदत है सो तुम्हें ये पकड़ना या फिर ऐसे पकड़ना थोड़ा अजीब लगेगा। सो जी कॉर्ड के इस पोजीशन में इसको पकड़ के रखो, और बस अब तुम्हें स्लाइड करना है, कहाँ पे, थर्ड फ्रेट पे दो बार हाथ रखना है, फिर स्लाइड करके इसको यहाँ लेके जाना है। तो ये पूरा कैसे साउंड करेगा देखो, सिर्फ ये प्ले करना है पूरे गाने में, कैसे वो मैं दिखाता हूँ। तो पहले इसका पैटर्न है 5-3-2-3, कैसे 5-3-2-3। अब अपने हाथ को ना ऐसे मत रखना, ऐसे मत रखना, ऐसे ऐसे ऊपर क्लॉ बना के रखना, ठीक है, दो फिंगर्स को यहाँ पे टिका के रखो, थंब को फिफ्थ के लिए रखो, फिफ्थ और सिक्स्थ, सिर्फ हमारे दो ही पैटर्न यूज़ होंगे, 5-3-2-3, 6-3-2-3, ठीक है। तो एक बार हमें 5-3-2-3 यूज़ करना है, जैसे ऐसे 5-3-2-3, फिर हमें 6-3-2-3, अब हमें हाथ की पोजीशन शिफ्ट करनी है यहाँ पे, यानी 1-2-3-4-5, पाँचवें फ्रेट पे, यानी हमारा ऐसे वाला जी मेजर आ जाएगा, पाँचवें फ्रेट को बोल लो या छठे फ्रेट को बोल लो, इस पोजीशन में हमारा यहाँ पे आएगा। सो अब हमारा लेकिन काम यहाँ पे तो छठे फ्रेट पे ही बोलेंगे हम इसको, तो हमारा पहले यहाँ पे रखना है हमें थर्ड फ्रेट पे हमारा जी मेजर एक तरह से। सो 5-3-2-3, 6-3-2-3, शिफ्ट दो फ्रेट्स आ गए, 6-3-2-3, और फिर वापस 6-3-2-3। तो ये पूरा कैसे साउंड करा, 5-3-2-3, 6-3-2-3, 6-3-2-3, 6-3-2-3, 5-3-2-3, 6-3-2-3, 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 6-3-2-
पे, तो ये हमारा एक लूप चलेगा जो कि पूरा का पूरा हमारा गाना खत्म कर देगा, यानी ब्रिज पार्ट, कोरस पार्ट, स्टार्टिंग का सेकंड स्टैंजा सब कुछ हमारा इस पे है। बस वो गाने की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा कि तुम्हें लगेगा कि गिटार बहुत फास्ट बज रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, लिरिक्स के साथ मैं करके दिखाता हूँ। देखो हाँ,
करता मैं बातें तेरी आईने से, देखूं तेरी तुझसे कैसे खुल के वैसे बोलूं मैं ये राज दिल के, अब तेरे सामने हूँ कितना कुछ मैं कहना चाहूँ, मुझको ये बता दे फिर क्यों खोजूं मैं अल्फाज मिलके, देखो ये आईना आईना तो क्यों यहाँ, आईने में साथ मेरे तेरी ही तो है जगह, उलझा हूँ अल्फाजों में ही निकले ना आवाजों में, कि पास मेरे पास में आ जा आ जा ना, अरे आ अरे आ अरे 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 आ। ये हमारा चलता पूरा, तो इसको मैं अगर लाइन बाय लाइन ब्रेक करूँ तो कैसे करा हमने, करता मैं बातें तेरी आईने में देखो मेरी, तो 5-3-2-3, करता मैं बातें मेरी 6-3-2-3, आईने से देखो मेरी, आईने से देखो तेरी सॉरी, तुझसे कैसे बोलूं दिल के, तुझसे कैसे खुल के वैसे बोलूं मैं ये राज दिल के। जो ज़्यादातर हमारी लाइन की स्टार्टिंग्स है ना, मतलब एक लाइन छोड़ के एक लाइन, वो हमारी 5-3-2-3 पर आती है, और जो हमारा कोरस पार्ट है आरे आ आरे आ आरे 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 आ, तो जो हमारा पहले वाला आरे है ना, वो हमारा हमेशा 5-3-2-3 पर आ रहा है। तो अगर तुम उस फ्लो में गड़बड़ करोगे तो तुम यहाँ पे लैंड नहीं करोगे, तुम्हारा आगे पीछे कहीं ना कहीं लैंड होगा, तो समझ जाना कि तुमने कहीं ना कहीं स्ट्रमिंग को छोड़ा है और कहीं ना कहीं तुम उस टेम्पो को ब्रेक करके बाहर निकले हो। सो उस टेम्पो को ब्रेक नहीं करना, बिकॉज पता है कि ब्रिज पार्ट में ना, मतलब अनुज जैन के अगर तुम गाने सुनोगे तो उसमें एक फेमस, एक जो स्पेशलाइज उनकी चीज़ है वो ये है कि हर गाने में एक ब्रिज पार्ट होता है जो गाने से थोड़ा सा हटके टोन्स रखता है। अलग आसमान ले लो, गुल ले लो, कोई भी गाना ले लो, एक छोटा सा पार्ट ज़रूर होगा जहाँ पर वो ब्रिज पार्ट को डालते हैं। तो ब्रिज पार्ट जो है ना इस गाने का भी थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे वो वाला पार्ट आता है, सुन तो एक दिन ये दिन मेरा, जो भी एक दिन ये दिल मेरा होगा बेनकाबिया। सो वो वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर भी लिरिक्स एकदम उसके अलग है, थोड़ी सी टोन्स डिफरेंट है, बट अगर तुम उस गाने को ध्यान से सुनोगे, सो 5-3-2-3, 6-3-2-3, 6-3-2-3, 6-3-2-3, ये पीछे उसमें चले जा रही टन टन टन, तो ऐसे करके ना पूरा जो है गाना हमारा इस टोन को नहीं छोड़ रहा। तो अब फिर से आगे एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। करता मैं बातें मेरी आईने से, देखो तेरी तुझसे कैसे खुल के वैसे बोलूं मैं ये राज दिल के, रिपीट। अब देखो लाइन फिर से स्टार्ट हुई, 5-3-2-3 आ गया, अब तेरे सामने हूँ कितना कुछ मैं कहना चाहूँ, मुझको ये बता दे फिर क्यों खोजूं मैं अल्फाज दिल के, अब रिपीट, देखो ये सॉरी, देखो ये आईना आईना तो क्यों यहाँ, आईने में साथ मेरे तेरी ही तो है जगह, वापस फर्स्ट लाइन, मतलब फर्स्ट वर्ड ऑफ अनदर लाइन, उलझा मैं अल्फाजों में ही निकले ना आवाजों में, कि पास मेरे पास में आ जा ना। अब जैसे मैंने कहा था ना, आरे हमेशा 5-3-2-3 पे, आरे आ आरे आ आरे 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 आ। रिपीट फॉर द नेक्स्ट स्टैंजा, ठीक है। लिरिक्स यार मेरे को देखनी पड़ रही है साथ साथ, बिकॉज गाना इतना फ्रेश है नया नया कि कुछ कुछ उसकी हुक मिल चुकी है, तो कहीं कहीं लिरिक्स याद है कहीं कहीं नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा स्टैंजा क्या होगा, तेरे सितारों में या एक तारा हजारों में, क्या मेरे इन सवालों को मैं ढूंढूं ऐसे जवाब ऐसे लाखों हजारों में, क्या मामूली किरदारों में या आऊं इन ख्यालों में मैं बन के कुछ नया, ऐसे तू ही है आसमां मेरे दिल को आसमां, आसमानी तारों में मैं ढूंढूं यूं अपनी जगह, मेरे भी ख्यालों में तू दुनिया के किनारों से यूं पास मेरे पास में आ जा आ जा ना, अरे आ अरे आ अरे 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 आ। अब इसका ब्रिज पार्ट करके दिखा दो, फिर उसके बाद हमारा सुनतो वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। सो 5-3-2-3, 6-3-2-3, 6-3-2-3, 6-3-2-3, 6-3-2, तो जो 2 था यहाँ पे सुनतो हमारा आएगा कैसे, सुनतो एक दिन ये दिल मेरा होगा बेनकाब, हाँ और फिर तुझे नजर आएगा कि अंतरिक्ष की तरह ये है बेहिसाब सा, और सब तेरा ये हो जाएगा ही, दिल के अफसाने मेरे कहना पाया सालों से, मैं सोचूं ये खजाने मेरे पाटू सुरे आज तुझसे बनते बहाने, मेरे टालू क्यों ना जाने कल पे हूँ जो अब मैं पास तेरे बैठा हूँ, नाराज खुद से बंद है तालों में टालू सारी बात, ये टालू सारी बात क्यों मैं तेरे इंतजार में रहता हूँ, उम्मीद में क्या तू ही मुझको कह देगी या पास मेरे पास में आ जा
आ आ जाना आरे आ आरे आ आरे 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 That's it. So guys, हमारा गाना बहुत ज़्यादा सिंपल है. हमें सिर्फ एक G major का एक पैटर्न कॉर्ड पकड़ के रखना है फॉर अ सैम्पल. मतलब उसमें सारी हमें स्ट्रिंग्स एक साथ प्ले नहीं करनी, बट हमें सेकेंड फ्रेट रख के कैपो अपना G का एक बस पैटर्न पकड़ के रखना है, जिसमें हमें पहले 5323, 6323, 6323, 6323 इनके बीच में हमें खेलना है, और एक बार हमें फ्रेट को शिफ्ट करना है, फिर वापस वहीं पे लाके खड़ा कर देना है. सो गाइज, हमारा ये था पूरा गिटार लेसन, और एक ही टोन पे आपने देखा कि कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने सिर्फ 5323, 6323 वाले पूरा हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न रन किया और हमारा पूरा गिटार लेसन खत्म हो गया. ब्रिज पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, बिकॉज उसमें म्यूजिक से जस्ट एक नोट पहले 6323 में 632 पर हमारा आ जाएगा सुन तो, और फिर आगे हमारा सारा उसी को फॉलो करेगा. उसमें बस थोड़ी सी ट्रिकीनेस आपको ये दिखेगी कि आप जब उसको प्ले करोगे ना, शायद आपको लगेगा कि आप आउट हो रहे हो, तो आप उस जगह पे ना फियर मत करना, फंबल मत करना, और अपने इस पैटर्न को ब्रेक मत करना. एक टेम्पो अपने दिमाग में चला के रखो, टन डन टन डन टन डन टन डन, मतलब एक वो उस स्पीड को मत तोड़ना जो भी आप टेम्पो पे, आप मेट्रोनोम पे वर्क कर रहे हो ना, उसको तोड़ना मत, उसको बस प्ले करते रहना एंड गाते रहना. ये मत सोचना कि वो गलत जा रहा है या सही जा रहा है, वो सारा मैच कर जाएगा आपका. वो हो सकता है कि आपको टोन्स के हिसाब से लगे कि नहीं यार मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ वो ब्रिज पार्ट थोड़ा बनाया ही इस तरीके से कि वो गाने से थोड़ा सा हटके अलग साउंड करे. ठीक है, सो वो इंटेंशनली ऐसे बनाया गया, और दैट्स इट फॉर द सॉन्ग. काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग है, मतलब मेरे को इंटेंस जो इंटेंसिटीज गाने की है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बट वैसे जो है एक हुक मिल जाती है गाने की तो वो ऑलरेडी अच्छा लगने लग जाता है. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द गिटार लेसन टुडे. मिलता हूँ हम लोगों से बहुत जल्द अपने नेक्स्ट गिटार लेसन में. जब भी कोई एक अच्छा गाना आता है तो मैं डाल दूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर द गिटार लेसन टुडे. मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द, और अमेजोन के उन प्रोडक्ट्स को ट्राई जरूर करना और लाइक सब्सक्राइब करते रहना. बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे नीचे आ ही रहते, सो कुछ भी पोस्ट करो तो वहां पर भी यार डाल दिया करो, टैग कर दियो, ताकि मेरे को दिखती रहे तुम्हारी चीज़ें. सो दैट्स इट, टाटा बाय बाय.